बढ़िया आवासी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक तरफ तो पीडीएम इस्तीफे जमा करा रही है पार्टी क़यादत को, दूसरी जानिब सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मीर वर्ष खिलजी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आइंदा दिनों में वो किस तरह से हालात को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं, क्या होगा? देखिए, हमारी सेनेट इलेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट इदारा है, कहते हैं ना जिसको रीट, यानी कि जिसके ऊपर सारी जितने आपके कानून बनते हैं, आइन का हिस्सा बनते हैं, जो तरमीमें होती हैं, जो एडिशंस होती हैं, सब कुछ उन्हीं से पास ऑन होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा, मगर ये सारा बिकाव माल होता है। जो भी आता है वो अपने पैसे का इस्तेमाल करता है, जो जितना पैसा का दिल आता है उसी हिसाब से वो अपनी वोट खरीदता है और सेनेटर बन जाता है। तो इस इदारे का मुल्की मफाद तो कोई नहीं है, बट है तो मुल्की आईन में है तो सही, बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर उन मतलब आप सपोज आप एक जगह पे अपने पैसों के बलबूतियत पे आते हैं, आपकी सिलेक्शन पैसों की बलबूते पे होती है, तो उस जगह की तकद्दस रखना या उस जगह को उसी तरह से उस पर्पस के लिए यूज़ करना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर जब जो अपने बलबूते पे आते हैं तो वो लेकिन इमरान खान ने जो भी तजवीज़ पेश की है, हाथ खड़े हो, हाँ खड़े नहीं, बहुत बेहतरीन सजेशन है। मुझे नहीं पता कि अपोजिशन जो कि इतनी बड़ी पीडीएम मतलब वो एक तहरीक चला रही है शफाफियत के नाम पर और वोट को दो के नाम पर वगैरह, उसको इन चीज़ में क्या मतलब? आप अगर वो हाथ उठा के दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पता चलेगा कौन किसको वोट दे रहा है और या कौन इस बिल के खिलाफ है। हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी काफ़ी, बहुत हद तक, यानी कि देखो जो नून लीग है अगर वो पीपल्स पार्टी के बंदे को वोट कर रहा है या इस तरह की उसकी बिल को सपोर्ट कर रहा है बैकफुट पर, वो अपने पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, या जो वो कह रहा है उस अपनी बातों से लॉयल नहीं है, मतलब वो वहाँ पर वो वोट दे रहे होते हैं, बाहर आते हैं मीडिया के सामने उसी चीज़ पे तनकीद कर रहे होते हैं, तो वो पता चल जाएगा कि कौन किस मतलब जो उसका ओरिजिनल इरादे हैं और जिस तरफ से वो स्टैंड करते हैं वो पता चल जाएगा। बहुत अच्छा एकदम है, मुझे नहीं समझ आती कि अपोजिशन इस चीज़ के खिलाफ क्यों है और क्यों इस तरफ जा रही है। पीडीएम का ये भी कहना है कि इलेक्शन की जो है उसको सही किया जाए, शफाफ इलेक्शन हो, तो वो ये पार्टी जो है इतने ज़्यादा अरसे से इक्तदार में रही, तो ये ऐसा सिस्टम क्यों नहीं ला सकी तक कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए? देखिए, कॉल ऑफ फेल में फ़र्क होता है, मैं जो कहता हूँ मैं जो चाहता हूँ वो ज़रूरी नहीं, मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ जो लोगों को जो सुन लोग सुनना चाहते हैं। हमेशा ये होता है जो पॉलिटिक्स होती हैं उसमें कहा वही जाता है जो लोग सुनना चाहते हैं, बट करते वो हैं जो उनके लिए बेनिफिट हो, यानी कि अगर लोग आपका ये कहने का मतलब है सिर्फ वो बातों की हद तक कर रहे हैं, उनका अपने तौर पे ऐसा नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने कहा कहना वो जो लोग सुनना चाहते हो, करो वो जो आप करना चाहते हो, तो उसी फार्मूले पे ये वाइंड अप अपनी चीज़ें वाइंड अप करते हैं और उसी तरीके उसी पटरी पे चलते हैं और वही कर रहे होते हैं, तो ये भी उसी का हिस्सा है। वो कहने से कुछ नहीं होता, अमली जामा पहनाना या उस पर एक्शन, वो जो कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आप जो है एक अपनी किरदार या ऐसे आईन कानून इस तरह के लेके आए जिससे पता चले कि जो आप कह रहे हो उस पर आप स्टैंड भी करते हो। पीडीएम जो इस्तीफे की बात कर रही है, तो आपको क्या लगता है उसके बाद असेंबली तहलील हो जाएंगी क्या? मैं आई डोंट थिंक सो, अभी भी स्टिल कि वो कभी भी अपनी इस्तीफा नहीं देंगे। ये कुछ तो लोगों ने जमा करवा दिए, किसको जमा करवा दिए? अपनी पार्टी के, पार्टी को क्या पार्टी उसको पता है कि करेंगे नहीं कभी भी। और इस पे इमरान खान का कहना है कि जो इस्तीफा देंगे उन पे इलेक्शन हम री इलेक्शन करवा, हां उसको देखें। मैंने पहले भी एक हमने पहले भी एक बहस की थी इसी चीज़ पे कि इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, इनको ये अच्छी बात पता है, अगर हम इस्तीफ़ा दे दें तो इस तरह नहीं जिस तरह उन्होंने पीटीआई के इस्तीफ़ा कबूल नहीं किए, तो ये भी नहीं करेंगे, ये डेफिनेटली कबूल भी कर लेंगे। और इनको ये भी उन्होंने भी इस्तीफे दिए लेकिन उन्होंने तनख्वाहें लेते रहे बोलो, नहीं तनख्वाहें जब तक देखें, आपने इस्तीफा दिए मगर जब आपकी इस्तीफे कबूल नहीं हुआ तो आप, लेकिन आपको ये लगता है कि सियासतदानों के कॉल ऑफ फेल में क्यों लगता है कि पीटीआई वाले के आसमान से उतरे? नहीं, मैंने सियासतदानों की बात की, वही कह रहा हूँ, वो भी सियासतदान ही है ना, पाकिस्तान के सियासतदान है चाहे पीटीआई वाले, वो भी वही है, वो कौन है? पहले वही पीपल्स पार्टी में नहीं होते, नहीं हमारा कोई सिस्टम ऐसा है कि आप जब सिस्टम में नहीं होते तो आपको का दिल करता है या आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आप सिस्टम में जब आते हो उसका हिस्सा बनते हो, आपके बस पहला प्रोग्राम भी उससे पहले कल परसों वाला प्रोग्राम भी इसी बात पे मैंने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीटीआई एंड इमरान खान,
देखिए इमरान खान इज समथिंग एल्स, व्हेन यू आस्क, जब आपको सवाल करेंगे इमरान खान से रिलेटेड, मैं उसका जवाब किसी और तरफ से दूंगा, मगर अगर आप पीटीआई के रिलेटेड सवाल करेंगी, ठीक है, तो वो मैं उसका जवाब डिफरेंट अंदाज में दूंगा। देखिए पीटीआई में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मेन लोग जो हैं वो तो या पीपल्स पार्टी से आए हुए, या नून लीग से आए हुए, या काफ लीग से आए हुए, महाजरों की एक जमात है, नहीं सारी पार्टी इस तरह है। अब जब नून लीग की जमात बनी थी, कुछ ज्यादा ही नहीं है, नहीं सर, जब नून लीग, क्योंकि इमरान खान के जो करीबी दोस्त थे या करीबी जो पार्टी की बुनियाद जिन लोगों ने रखी, वो अब हमें कहीं पे नजर नहीं आते। नहीं, वो भी बहुत से मौजूद है। देखिए बड़े बड़े नाम, अब मुराद सईद है, वो मतलब एज अ स्टूडेंट पीटीआई के साथ थे, वो मौजूद है, अफरीदी साहब है, वो मौजूद है, उसके अलावा अली साहब है, वो मौजूद है, असद उमर है, वो मौजूद हैं, ठीक है, उसके अलावा बहुत बड़े ये जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ओल्ड में है, वो प्रेसिडेंट है अभी, वो मौजूद हैं, उसके अलावा वुमेन विंग में बहुत सी औरतें हैं जो मौजूद हैं सेनेट पे, उसमें बैठी हुई हैं, तो कुछ काफी छोड़ के भी चली गई। नहीं देखिए बात सुनो, अब जब आप पॉलिटिक्स करते हो तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सबको ही वजारते दें, सबको ही सेनेटर बना दें, सबको ही, जब वो बीच में कंपटीशन होते हैं, बहुत से लोग अपने मफादात के लिए आए होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, वो सिर्फ पीटीआई की नहीं, वो नून लीग में भी होता है कि जब नून लीग की बारी आती है तो जो जिनको सीटें नहीं मिलती तो वो फिर साइडलाइन हो जाते हैं और वो फिर नून लीग के खिलाफ हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी वही हुआ, फिर वो पीपल्स पार्टी की जब उनको नहीं मिलती तो पीपल्स पार्टी से अलग हो जाते हैं। तो अपने मफादात की चीज़ें जब उनको नहीं मिलती, ये हर पार्टी में मौजूद है और तमाम पार्टियों का यही हाल है। पीटीआई भी कुछ अलग नहीं है, वो भी उसी सेम पार्टी है, बट देर इज एक डिफरेंस है लीडर में, उन्होंने उन मतलब लीडर कंपैरिजन पार्टी देखते हैं तो तीनों पार्टियाँ एक जैसी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, तीनों एक जैसी हैं। हाँ अगर आप लीडर्स की बात करती हैं कि बिलावल हो गया या मरियम हो गई या इमरान खान हो गया या जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान, उसमें अगर कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली विल गो फॉर इमरान खान। ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं सेनेट के, तो उसमें आप क्या देखते हैं, पहले तो अक्सरियत जो थी वो ऑपोजिशन की थी, अब पीटीआई की किस तरह? आप गिलगित बल्तिस्तान में देख लिया, आप जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होगा उसमें भी आप देख लेना और सेनेट का भी देख लेना। देखें होता ये है कि जो भी सिलेक्शन होती है, एक तो मैंने कहा था कि जो वो बिकते हैं, ठीक है, टिकट्स बिकते हैं, जो भी इसमें ज़्यादातर लोग आते हैं वो आज़ाद भी आते हैं, एक तो अपनी पीपल्स पार्टियों की तरफ से आते हैं, उसके अलावा बहुत से लोग अपने वोट भी बेचते हैं, ठीक है, तो पीटीआई के वो अगर वो इतने पैसे लगाते हैं तो उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि हुकूमत के साथ एफिलिएट हो, क्योंकि अगर उनको बेनिफिट मिलेगा तो हुकूमत अपोजिशन में नहीं मिलता। अब इतना पैसा लगा के उसने अपोजिशन में तो नहीं बैठना, बड़े कम लोग होते हैं वो होते हैं जो पार्टी की तरफ से उनको पॉइंट आउट किया जाता है और पार्टी जो है ना बगैर पैसों के उनको पॉइंट आउट करते हैं, तो उनको पैसे लगाने होते हैं, जिनके पैसे लगे वो इनकी अपनी सीटें हैं और जिनके पैसे लगे हुए वो डेफिनेटली पीटीआई। इससे क्या कितना फायदा होगा आने वाले दिनों में पीटीआई को जब उनकी सेनेट में अक्सरियत होगी? नहीं फायदा तो वो तो अगर अक्सरियत होगी तो बहुत से ऐसे बिल जिसको उस पर तर्क किया जाता था या उसके बिल पास नहीं होते थे या उसके लिए काफ़ी टफ टाइम दिया जाता था या उसके लिए कुछ प्रेशराइज में करके कुछ चीज़ें मनवाई जाती थी, वो चीज़ें नहीं होंगी। वो मतलब एक आपको एक रास्ता क्लियर मिलेगा और आपको बड़े जो पोजीशंस हैं या जो डिसीजंस हैं वो बड़े बोल्डली तरीके से आप ले सकती हैं और वो लेंगे सेनेट के अगर वो इलेक्शन मेजॉरिटी आ जाती है। आने वाले दिनों को आप अच्छा देखते हैं कि सेनेट में इलेक्शन के बाद मुल्क के हालात कुछ बेहतर होंगे, कुछ कानून नए लाएंगे? मुल्की हालात देखिए, मुल्की हालात हमारे इस टाइम इस बात यह है कि मुल्की हालात, जैसे पिछले शो में आपने कहा था कि सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं है तो वो कोई भी बिल नहीं ला सकते, नहीं वो तो उसके बाद सारे प्रेशर वो चेंजेस होगी ना, वही कह रहा हूं ना कि जो वो चेंजेस चाहते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि एक इमरान खान इलेक्ट हो गया, इलेक्शन हुआ, वो इलेक्ट हो गया, इलेक्शन के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बना, अब लेट देम एंजॉय दैट 5 ईयर्स, मतलब उसको करने दें, अगर वो 5-5 साल में वो करना नहीं था, ये प्रोसेस को चलने दें, वरना ये आजकल वो लोग अंदर थे इमरान खान बाहर था, वो धरने दे रहा था, आज वो अंदर आया तो ये लोग बाहर हैं, ये धरने देने, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, आप उसको 5 साल दें, 5 साल के बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो नहीं आ सकता दोबारा किसी भी, ये तो अलग बात है कि सारा अगर एक दफा कोई डिलीवर नहीं करता तो आपने कहा वो दोबारा नहीं आ सकता, तो नवाज शरीफ को
तीन दफा के मुंतखब वो कंसेक्यूटिवली आए क्या? कंसेक्यूटिवली तो नहीं, कंसेक्यूटिवली नहीं आया ना, ब्लैक दो पार्टियां थी, ठीक है, लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं, दो नहीं देखे पहले, ठीक है हां, दो ही पार्टियां थी, या तो पीपल्स पार्टी को वोट देते या नवाज शरीफ को वोट देते, छोटी पार्टीज तो थी नहीं, कितना थी, तीन सीटें चार सीटें, उससे तो नहीं होती, देखे मुल्की सतह पे दो पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी नू लीग, अब नू लीग की बारी थी, नू लीग ने कुछ नहीं डिलीवर किया तो डेफिनेटली दूसरी बारी आएगी, वो आएगी पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो लोगों के पास गुस्से में गया था कि फिर उसने जो पहली पार्टी थी उसी को लेके आना था, तो दोनों को उतने ही दफा मौके मिले, आप जब सब हिस्ट्री में जाए तो वही लगा है, पीपल्स पार्टी नून लीग, नून पीपल्स पार्टी नून लीग, एक एक बारी, ठीक है, बीच में फौज आती थी वो भी नहीं के बदौलत, ठीक है, आप जब इंटर होते हो तो ऐसे कानून बना लो जिससे को महफूज हो जाए, अब मैंने कहा इस दफ़ा तो पूरी कोशिश की गई कि मार्शल ला लेके आया जाए, ठीक है, मगर नहीं हुआ क्योंकि इनको कसर छोड़ी नहीं, अब पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस को जो ना मैच्योर होना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी हार को भी और अपनी जीत को भी खुले दिल से, और तभी ये कुछ हो सकता है और इसका फ़ायदा भी है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो होता है अभी आने वाले दिनों में क्या होगा गॉड नोज, बट मुझे लगता है कि पीटीआई जो है वो मेजॉरिटी ले जाएगी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इसी के साथ हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।